सिदरी पड़ता है उत्तराखंड में, देहरादून से 200-250 किलोमीटर दूर। वहां से है सिदरी से केदारकंठा, वहां की ट्रैकिंग के लिए मैं गया था। मैं ऐसे कुछ तैयारी हुई करके भी नहीं गया था। उसने पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट भेजा हुआ था, बोला कि आपको रेंट पे जैकेट्स जूते सब मिल जाएंगे। मैं बोला तब क्यों ही खरीदने जाऊं मैं सामान, ठीक है मैं वहीं से रेंट कर लूंगा, उनका तो प्रोफेशनल होता है। और मैंने बताया ना कि मेरे दोस्तों का वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, बोल रहा था ट्रैकिंग पे जाना है, मैं बोला मैं भी चलूँ। बोला ठीक है, आखिरी डेट तक मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट डेट या कुछ ट्रेलर व्लर का कुछ आसार नजर आ जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। अपने को मिले अमित नेगी, टफ गाय, पहले ही बता दिया कोई ऊपर जाके मतलब यू आर फक्ड, कुछ हो नहीं, अगर कुछ हो गया तो वही हो गया, बचाया नहीं जा सकता आपको, और अगर कुछ हुआ तो फिर बाद में आपको इसके डबल पैसे देने पड़ेंगे आपको एक्सट्रैक्शन के लिए। आपके पहले दिन जब चढ़ना शुरू किए 4 किलोमीटर, मेरी फटके 4 हो गई। मतलब अपन 10 लोग की टीम थी, और मैंने जितने भी अभी तक फुटेजेस रिकॉर्ड किए हुए हैं वही रिकॉर्ड किए हैं जो मैं कर पाया। जो नहीं कर पाया वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि फटी पड़ी थी मेरी, मुझे अपनी सांस बचानी थी, मैं कैमरा उठा के रिकॉर्ड तक नहीं कर पा रहा था, मैं इतना थक गया था। तो पहले 500-500 मीटर का ब्रेक्स ले लेके अपन पहले तो 4 किलोमीटर के पहले जगह पहुंचे, हर गांव नाम है पहले कैंप में। तो बेयर मिनिमम में हिसाब चल रहा है पूरा, मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह। क्या क्या चीजें की अपन ने वहां पे जो नहीं भी करनी चाहिए थी, बस किसी को मार के खाया नहीं। उसके पेशाब भी पिया बाद अपना? नहीं, ये सारी चीजें नहीं की फिटिक थैंकफुली, वो चीजें उन्होंने जुगाड़ बना के रखी हुई थी। उसने पहले ही बता दिया था कि मतलब ये बॉनफायर और आग वाला हिसाब कोई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के फॉरेस्ट का रूल है वहाँ गवर्नमेंट का कि आप यहाँ आग नहीं जला सकते। मैं क्या यार साला आग नहीं, आग आग नहीं लगा सकते, तुम क्या करने गए थे फिर? नहीं तो मैं तो बेयर ग्रिल्स देखता था डिस्कवरी पे, वो तो साला रेगिस्तान में भी आग जला देता था कि भाई आग तो बहुत जरूरी है। कहना ये तो हम कमरे में बैठे बैठे कर देते कैमरे के सामने। बेयर ग्रिल्स मूड भी पी रहे हो। अच्छा तो ले आ वहां गया। ऊपर गए तो भाई पहले तो जहां से सिदरी से शुरू किए हुए थे वहीं नेटवर्क बहुत कम आ रहा था, ये एक टावर मुश्किल से। फिर जब ऊपर बेस कैंप पे हर गांव पहुंचे, बेस कैंप नहीं नीचे कैंप में हर गांव पहुंचे, तो फिर नेटवर्क खत्म। अब मैं दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वहां से जुड़ा का ताल मैंने देखा, और मतलब बता रहे थे लोग गहरा है, मतलब कि वही बात है कि मैं उसके चेहरे से नहीं, मैं उसकी पर्सनैलिटी पसंद करती हूँ, वही वाला हिसाब है। अब गहरा मैं कूद के थोड़ी ना अंदर देख रहा हूँ, बात तो थोड़ी तालाब, पता तालाब ज्यादातर जो पहाड़ी के होते हैं उनको देख के ही वो किया जाता है, कूदने में तो कूदने वाले बहुत ही कम होते हैं। नहीं, वहां पे बस वही पेड़ उड़ देखा, और काफी सुकून था, ऐसी बात नहीं है, मतलब कुछ नहीं है करने को, चुपचाप आप खड़े हो बैठे हो जैसे भी कर रहे हो। तो मैं दो चार जगह बैठा था बर्फ पे, मैं क्या यार ये तो बड़ा ठंडा हो रहा है यार, ये कैसे लोग तितलियां बना लेते हैं पिक्चरों में, एक तो ये जवानी है दीवानी दिखा के गंदा ये रोमांटिसाइज किया हुआ पिक्चरों उन्होंने। में तितलियां नहीं चूतिया बनाया जाता है, ठीक भाई है? यार मैं बता रहा हूँ पिक्चर ये देखकर जवानी तुम बारिश में रोमांस करने मत चले जाना, ठीक है? जब कच्चा गीला होगा ना। खाना तो बेयर मिनिमम ही था, बस ये खाने का मन तो कर नहीं रहा था, आपकी भूख मर गई थी इतना मेहनत और इतनी ठंड की वजह से, लेकिन बोला खाना और पानी पीना बहुत जरूरी है। और लिटरली यार मतलब हाथ में लिया खाना और ठंडा 1 मिनट में ही ठंडा हो जा रहा है यार, बस खा लो तुरंत। बेस कैंप पहुंचे, वो शायद दो 2.5 किलोमीटर था या 3 किलोमीटर, याद नहीं आ रहा है। वहां पे पहुंचने के बाद वहां और बड़ी ठंड, मैंने देखी 4 फिट गहरी बर्फ, और मेरा हो गया कि भाई अब तो मैं नहीं जा पाऊंगा इसके ऊपर से, क्योंकि बेस कैंप के बाद ही आपका ऊपर केदारकंठा मंदिर था, और वो मंदिर भी 4 किलोमीटर ऊपर बेस कैंप से। मैं क्या यार नीचे से 4 किलोमीटर चढ़ने में, जब तो बर्फ धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी वही फट गई थी, अब तो भाई यहाँ 4 फिट बर्फ है, ऊपर तो 6 फिट बर्फ होगी, कैसे चढ़ पाऊंगा मैं? तो मैंने मैंने बेस कैंप में तीन तीन मोजे पहने हुए थे, बर्फ में चलते चलते मेरे जूते गीले हो चुके थे, मैं उसको गालियां दे रहा हूँ, ठीक ना, जो बंदे मुझे लेकर आए हुए हैं साले, तुम सबके चक्कर फंसाऊंगा यहाँ पे। अपन को स्लीपिंग बैग दिया था जो सेकंड बेस कैंप, जो सेकंड कैंप में अपन सो रहे थे, वहां पे तो स्लीपिंग बैग में मैं सो गया आराम से, क्योंकि गरम गरम हो गया था। जो बेस कैंप पे स्लीपिंग बैग मिला था भाई, मेरी मोबाइल ठंडी हो गई, पावर बैंक ठंडा, मैं खुद ठंडा, कुछ गरम नहीं कर रहा है मुझको, मैं जैकेट ग्लव्स टोपी और ये सब सब लगा के सो रहा हूं, मैं कुछ भी पावर गरम बैंक नहीं हो रहा। तुमको अरे पावर बैंक फोन चार्ज कर रहा था यार मैं, कि मतलब जस्ट इन केस जो पावर बैंक कह रहा कि अब इंसान की शरीर की गर्मी ही मुझे गर्म कर सकती है दोस्त। भाई,
भाई यार फिर मैं क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया तुमने? रात के 3 बज गए अब साला, मैं अब इतनी तेज ठंड लग रही है -15 में कि भाई मैं करूं क्या, मुझको नींद तक नहीं आ रही है। मुझको वही लगा कि चल ही देते ऊपर समिट की तरफ, चलूंगा तो गर्मी आएगी। बैग वो नीचे ही रखे थे, तीन तीन मोजे पहने, और जो शूज की लेस बांध रहा हूँ तो जो गीले हुए थे शूज की लेस वो जम गए थे। और मैं समझ गया भाई अब तो मैटर हो गया है। और जैसे 2 किलोमीटर में ऊपर चढ़ा, उसने उसने बताया कि ये जो ऊपर टी पॉइंट है ना, सबसे ऊपर बेस कैंप के ऊपर, वो खुला हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। मैं क्या भैंचो तब हो गया कार्ड, अब अगर नहीं खुला होगा तो मैं करूंगा क्या। लेकिन थैंकफुली ऊपर वाले की दया से वो टी पॉइंट वाला बोला कि भैया कल बंद था, आज हम खोले हुए हैं। और वहां जल रही थी उसके टी पॉइंट पे आग। आग को देख के मेरा मन गया डोल, और मैं बोला अब इसके ऊपर नहीं जा रहा। आई नो भाई अपने अपने गॉड जी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे ठीक ना, कि भाई नहीं कर पाया पीजे, क्योंकि भाई मेरी तबीयत खराब हो जाती, वहीं वहीं मैं गिव अप मार देता, क्योंकि उसके आगे नहीं हो रहा था मेरे से पीजे की भी कुछ लिमिटेशंस है, भले हाथ भाई। मूला वही कितनी भी क्यों ना खा ले, पाद कितना भी नहीं ले, भाई शारीरिक यार गर्मी का भी कितना इस्तेमाल करेगा आदमी।